Which of the following matrices are non-singular? देखिए फर्स्ट पार्ट आपने लगाया था, तो फर्स्ट पार्ट में डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आ गई थी? जीरो आ गई थी। इफ डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज जीरो, देन मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर। इफ डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज नॉट जीरो, देन मैट्रिक्स इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर। ना तो फर्स्ट में जीरो आ गया था इसलिए सिंगुलर हो गए थे। अब सेकंड की वैल्यू निकालते हैं, अगर जीरो आ जाएगी तो सिंगुलर होगा, जीरो नहीं आएगी तो सिंगुलर नॉन सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, इस स्क्वायर मैट्रिक्स को पहले डिटरमिनेंट चेंज कर लीजिए। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी चेंज इन डिटरमिनेंट, वन माइनस थ्री टू, फोर माइनस वन टू, थ्री फाइव टू ना। अब इसको माइनस करिए, इसको ओपन करिए सर। तो ओपन करने से पहले पहले क्या करते हैं, किसी एक रो या कॉलम में मैक्सिमम जीरो बना देते हैं, मैक्सिमम जीरो बना करके उस रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में ओपन कर देते हैं। इसलिए क्या कर रहे हैं, सी टू इज रिप्लेस बाय सी टू माइनस सी वन कर देते हैं, एंड सी थ्री इज रिप्लेस बाय सी थ्री माइनस सी। ठीक है, ये हो गया वन माइनस थ्री टू, और ये हो जाएगा आपका फोर माइनस वन थ्री, और फाइव माइनस माइनस वन सिक्स, टू माइनस टू जीरो। सर फोर माइनस वन थ्री, माइनस वन प्लस थ्री, माइनस वन प्लस थ्री टू हो जाएगा, और टू माइनस टू जीरो हो जाएगा। फिर थ्री माइनस वन टू, और फाइव माइनस माइनस थ्री, तो प्लस एट हो जाएगा, और टू माइनस टू जीरो। तो देखिए थर्ड कॉलम में क्या है, दो जीरो है, तो विद रिस्पेक्ट टू थर्ड कॉलम इसको एक्सपेंड कर देते हैं। ठीक है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ए इक्वल हो जाएगा टू। अब जिस रो में है तो उसको कट कर दीजिए, जिस कॉलम में उसको कट कर दीजिए, जो बचता है माइनस लिख दीजिए। तो माइनस कितना हो गया, थ्री टू टू ए है ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्वेंटी फोर, टू इंटू ट्वेंटी फोर माइनस फोर, टेबल हो जाएगा टू इंटू ट्वेंटी टू, टेबल होगी फोर्टी फोर। इसकी वैल्यू क्या है, जीरो के बराबर नहीं है, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या जीरो के बराबर नहीं है, है ना। जब डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो नहीं है तो ये क्या हो गया बताओ, ये आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। अगर जीरो आता है तो सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाता है, जीरो नहीं आ रहा है तो क्या है, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। हेंस हेंस ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स है ये आपका सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, सर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो जीरो नहीं है तो नॉन सिंगुलर हो, जीरो था तब सिंगुलर हो, इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मीन्स ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ये आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए कॉपी कर लीजिए।